गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल लव योर सेल्फ नीलूफर। सो आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं अमेजोन ब्यूटी हॉल जिसमें मैंने परचेज किया है। विंटर है सो विंटर केयर पे आप उसे काउंट कर सकते हैं। कुछ मेकअप से रिलेटेड है और कुछ ज्वेलरी। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलेगी। सो वॉच दी कम्प्लीट वीडियो, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सो वीडियो पसंद आती तो कर दीजिएगा थम्स अप यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो जो भी कुछ आपको पसंद आ रहा है ना डायरेक्टली आप उसमें क्लिक कीजिए और आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो अमेजोन में चल रहा है अभी अच्छा खासा डिस्काउंट जिसमें ब्यूटी फैशन सब में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं, तो उसे मिस मत कीजिए। सो जल्दी से आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर टॉकिंग लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है ये है मामा अर्थ विटामिन सी नरिशिंग कोल्ड क्रीम जो कि विटामिन सी के साथ हनी मिक्स के साथ है। सो ये मैंने परचेज किया है, विंटर है, विंटर पे अगर आपका ड्राई स्किन या जो भी स्किन टाइप है सो ये बेस्ट है। ऑल स्किन टाइप है, मैन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। सो इसकी पहले MRP की बात करूंगी। सो यहाँ पे मैंशन है 299 जो कि आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ा है 223 रुपीज में। और इसकी अगर मैं डिटेल्स में बात करूँ इसका पहले मैं आपको टेक्सचर बताऊंगी। सो ये थोड़ा सा ना थिक टेक्सचर में, जैसे अगर आपने कभी नीविया का क्रीम यूज किया है जो ब्लू कलर का कंटेनर में मिलता है तो थोड़ा सा थिक होता है। सो इसका टेक्सचर एग्जैक्टली सेम है। सो जब मैंने इसको अप्लाई किया सो अगर आपका एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। ओपन करके इसका जो टेक्सचर आपको दिख ही रहा होगा कितना थिक है। सो वैसे मैं आपको ट्राई ऑन हॉल पे दिखाऊंगी कि ये कैसे मैंने अप्लाई किया है। सो नॉर्मली मैं आपको अपने हैंड्स में भी थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। सो ये प्योर वाइट जैसे क्रीमी टेक्सचर होता है बहुत ही ज़्यादा थिक उस टाइप का है। और जब आप इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे ना बहुत अच्छे से और जल्दी आपके स्किन पर जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा। सो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सी कितना अच्छा आपको एक नेचुरल ग्लो भी दिखेगा और बहुत अच्छे से यहाँ पर ना आपको शाइन सी दिख रही होगी। सो बहुत अच्छे से ये अब्सॉर्ब भी हो गया है। विटामिन सी जो है स्किन के लिए और हेयर के लिए दोनों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा है। सो अगर स्किन एजिंग प्रॉब्लम है, सन डैमेज है और जो रिंकल डार्क स्पॉट एक्ने प्रॉन स्किन को ये प्रिवेंट करता है। सो इतने सारे आपको इसी एक क्रीम के जार में बेनिफिट मिल रहा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और फैमिली में मेरे ये सभी यूज़ कर रहे हैं सो उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है। सो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है ना तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये जो क्रीम है ये 200 ग्राम के जार में आएगा। सो बेसिकली इसका टब भी बड़ा क्यूट सा है। सो आपको वैसे मैं साइड टू साइड ट्राई ऑन हॉल पे भी दिखा दूंगी। सो ये एक आप जो है परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने परचेज किया है, आप मेकअप से इसे रिलेटेड बता सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक प्राइमर परचेज किया है। सो ये प्राइमर आपको इनसाइड का मिलेगा, पोर मिनिमाइजर प्राइमर। सो इसके अंदर का जो ट्यूब है ना एक छोटा सा टाइनी सा है, ये 10 ml का ये ट्यूब है। सो आपको ये साइज से पता चल जाएगा कि टाइनी सा है और बड़ा क्यूट सा है। सो इसकी अगर मैं डिटेल्स में बात करूंगी सो प्राइमर हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई मेकअप करना होता है बेसिकली हम मेकअप पे ही यूज करते हैं। सो स्किन को प्रेप करने के बाद हम प्राइमर करते हैं। सो इनसाइड के जो प्रोडक्ट होते हैं मेकअप प्रोडक्ट सो वो नॉर्मली बजट फ्रेंडली होता है। सो ये क्योंकि टाइनी है और ये 10 ml का है सो ये मुझे पड़ा है 110 रुपीज का। सो ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज, फर्स्ट जब आप मेकअप से पहले CTM करते हैं उसके बाद जो होता है आपके स्किन को थोड़ा सा प्राइम करने के लिए कोई भी प्राइमर की नीड होती है जैसे एलोवेरा जेल होता है। बट अगर आप टीनेज हैं या आप बहुत ही कम बजट वाला कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं इनसाइड का। एक तो ये ब्रांडेड भी है और ये आपको मैट फिनिश देगा ऑयल फ्री फॉर्मूला के साथ है और आपके जो ओपन पोर्स है उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा और आपके मेकअप को रखेगा लॉन्ग लास्ट। टाइनी के साथ इतने सारे ये वर्क एक टाइम पे कर रहा है तो ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप मेकअप फ्रेंडली हैं सो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइमर है बट मैं थोड़ा सा न्यू जो है वो ट्राई करती हूँ। सो इसे भी मैंने ट्राई ऑन हॉल पे दिखाया है अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद। सो इसमें भी मेरा मेकअप जो है बहुत स्मूथली ब्लेंड हुआ है। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिप बाम परचेज किया है। सो ये एक्चुअली कॉम्बी पैक है। सो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ब्रांड का। सो ये दोनों के दोनों जो है मुझे कॉम्बी पैक में मिले थे। सो एक आपको मिलेगा हैप्पी कलर लिप बाम और जो दूसरा वाला है ये है ऑर्गेनिक लिप बटर लिली जो कि इसका कलर है आपका पिंक कलर में मिलेगा। और ये वाला जो है ये आपको नेचुरली मिलेगा। बहुत ही अगर मैं कलर टिंट के बारे में बताऊँ तो बहुत ही 0 से 1% का एक लाइट सा टिंट मिलेगा। सो इसे जस्ट मैं ओपन करके दिखा देती हूँ पहले।
सो सी आफ्टर ओपनिंग द पैकेज ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. एक आपको एक पेंसिल छोटा सा पेंसिल के लुक में आएगा और जो दूसरा वाला है ना स्क्वायर टाइप के बॉक्स के साथ आएगा. सो फर्स्ट मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी ना, तो एक छोटा सा सर्कल टाइप का इसके प्रोडक्ट है. सो ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है. सो इसके अगर मैं शाइन की बात करूँ, एक्चुअली ये कोई टिंट नहीं देता, बट लगाने के बाद मुझे लगा बहुत ही लाइट सा एक होता है ना मिनिमम टिंट वैसा आपको मिलेगा. वैसे मैं आपको यहाँ पर स्वाचेस आपको हैंड के पीछे दिखा देती हूँ. सो मे बी आपको पता नहीं डिफरेंस हल्का सा पता चलेगा कि नहीं. सो ये अगर आप कोई टिंट नहीं चाह रहे, सिंपली मॉइस्चराइज चाह रहे हैं आपके लिप को हाइड्रेट करने के लिए, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ये आप ट्राई कर सकते हैं. बट अदर हैंड में जो मेरे पास दूसरा ये लिप बटर है जिसका शेड है पिंक, सो इसको ओपन करने का तरीका मैं पहले बता देती हूँ. यहाँ पर आपको नीचे से ट्विस्ट करना है. सो ट्विस्ट करके दोबारा ट्विस्ट करेंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट. सो इट लुक्स लाइक लिपस्टिक और इसे जस्ट मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी. सो दिस इज द प्रोडक्ट. ये आपको पिंक कलर में दिखेगा. बात करेंगे इस लिप बाम की. सो इसमें थोड़ा सा टिंट है जो कि आपको मैं ट्राई ऑन हॉल पे भी दिखा दूंगी. सो यहाँ पर देखिए आपको लाइट सा पिंक कलर के टिंट में मिलेगा. सो इसमें कॉम्बी पैक के साथ भी, अगर आप इंडिविजुअली लेना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन उनके पास है, और उनके पास कॉम्बी पैक में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है तो आप चेक कर लीजिएगा. सिंपली क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिप केयर है सो ये आपके लिप को ड्राई होने से बचाता है. चैप लिप्स होता है सो उसमें आप इसे अप्लाई करेंगे बहुत ही हाइड्रेट और स्मूथ रखेगा. और ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है सो ये आप ट्राई कर सकते हैं. ये 10 ग्राम के इसमें आएगा, दोनों के दोनों जो है 10 ग्राम के प्रोडक्ट हैं. तो बात करेंगे इसके प्राइस की. सो ये कॉम्बी पैक में मुझे पड़ा है 349 रुपीज़ का. सो पहले मैं अगर इंडिविजुअली प्राइस बताऊँ, सो इसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है 249 और जो दूसरा वाला है ये वाला ये आपका है 199. सो अगर मैं दोनों को ऐड करूँ सो इट कम्स लाइक 443 और 44, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. सो ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 349 पे पड़ा है. सो जब आप चेक करेंगे मे बी हो सकता है कि वहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिले. सो ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं, विंटर के लिए अच्छा है और आपके लिप को भी अच्छे से हाइड्रेट रखेगा. सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने अगेन मेकअप से रिलेटेड परचेज किया है. सो यहाँ पर मैंने एक मेकअप ब्रश सेट पिक किया है जो कि स्विस ब्यूटी का है. सो जनरली आपने इसे बहुत टाइम पे देखा भी होगा. सो मैं भी बहुत टाइम से ये एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे मिल रहा था बट फिर भी मैं तब अवॉइड कर रही थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सेट रखा हुआ है. बट फाइनली मैंने सोचा कि इसके ब्रश जो है एक बार मैं भी ट्राई करके देखूँ क्योंकि स्विस ब्यूटी के पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को लेके बहुत ही अच्छा रहा है. सो इसी रीज़न से मैंने इसको एक परचेज कर लिया जो कि सेट है. सो ये आपने जनरली बहुत बार ये देखा भी होगा और बहुत लोगों ने इसका रिव्यू भी दिया है, तो इसका पॉजिटिव रिव्यू मुझे ज़्यादातर मिला है. सो ये है स्विस ब्यूटी 6 फेस ब्रश सेट जिसमें आपको 6 फेस के ब्रशेस के सेट मिलेंगे. बात करेंगे इसकी MRP की. सो यहाँ पर MRP मेंशन है 999. सो 999 का है, आफ्टर डिस्काउंट मुझे 692 का पड़ा है. सो इसका मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये अभी मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना था मुझे रिव्यू के लिए. सो ये थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट के साथ जो है ये ब्रशेस दिखेंगे अभी. सो इसे अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया है, जस्ट रिसेंटली मैंने इसको यूज़ किया. सो इसे मुझे क्लीन भी करना है. जो फर्स्ट ब्रश है ना ये आपका ब्लेंडिंग, लाइक आप कॉम्पैक्ट पाउडर इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लश के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर मेंशन भी होगा, यहाँ पर आप देखिए कॉम्पैक्ट ब्रश 502 इसका जो ब्रश का नंबर है. सो ये बहुत ही स्मूथ ब्रसल मिलेंगे. सो इसके आप चेक कर लीजिएगा. सो इसे मैंने यूज़ भी किया है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग पर्पज से अच्छा लगा मुझे. नेक्स्ट जो है ये आपका फाउंडेशन ब्रश है. सो इसमें लिखा है फाउंडेशन, हाँ इसमें लिखा है फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश 506 इसका जो ब्रश का नंबर है. सो ये कुछ इस टाइप के साथ आएगा और इसका जो ब्रसल है ये जो आपका टॉप है ये एकदम फ्लैट होगा. सो इसे आप टैप टैप मोशन में या सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर सकते हैं. मैंने ट्राई ऑन हॉल पे भी फाउंडेशन ब्लेंडिंग पे देखा है. सो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर आप कोई लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें तो उसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके देखिएगा. अगर आप कोई स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं जो थोड़ा सा थिकी टेक्सचर वाला है उसके लिए ये ब्रश बेस्ट है, उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और फ्लॉलेस लुक देगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं. मैंने ये दोनों ट्राई किए हैं तो मुझे जो स्टिक फाउंडेशन है उसमें ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस मुझे लगा है वो अच्छा वर्क किया है.
जो नेक्स्ट वाला ब्रश है ये आईज के लिए है, लाइक ब्लेंडिंग के लिए, ये है 504। इसका जो पॉइंट है जो टॉप में, ये आपको बुलेट ब्रश इसे बोल सकते हैं, ये ब्लेंडिंग पर्पज से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। सो ये कोई भी आई लुक आप क्रिएट कर रहे हैं लाइक क्रीज में, तो वहाँ पर इसको बड़े अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे ना, तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छा हुआ है। इसे मैंने ट्राई किया तो ये भी बहुत अच्छा वर्क किया है। नेक्स्ट जो ब्रश है ये है आपका कंसीलर ब्रश, और इसका शेड लाइक इसका नंबर है 503 इसका नंबर है, और इसका जो ब्रसल है वो एकदम फ्लैट मिलेगा। सो ये कंसीलर ब्रश हम इसलिए बोलते हैं जब आप अंडर आई में कोई कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप कट क्रीज कर रहे हैं तब इसे यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, फ्लैट ब्रश का यही वर्क होता है। नेक्स्ट वाला जो है ये भी आपका आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश है। सो आई शेडो एप्लीकेटर आप बोल सकते हैं, लाइक आप कोई भी शेडो जो है उसमें पिक करके उसे प्लेस कर सकते हैं, और प्लेस करने के जैसे भी आपको डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंग इसे प्लेस कीजिएगा। इसका नंबर है F05। और जो इसका लास्ट ब्रश है ये हाईलाइटिंग लैश ब्रश जिसका नंबर है 507। सो ये बोथ साइड आपको मिलेगा, एक साइड में आपको इस पुली के साथ मिलेगा, अदर साइड जो है ये थोड़ा एंगल ब्रश के साथ है। सो इसे क्या है ना, आप जैसे काजल है लाइक आप कोई जेल लाइनर है उसे भी आप डिप करके अप्लाई कर सकते हैं, जो वाला अंडर आई है उसे भी आप इसके थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो ये उस पर्पज से, सो ऑल ओवर ये पूरा सेट जो है बहुत अच्छा एक कॉम्बी है। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप मेकअप बिगनर हैं, आप कुछ ब्रश सेट अगर लेना चाह रहे हैं, सो दिस इज़ द ऑप्शन जहाँ पर आपको ऑल ओवर सारे ब्रश जो है एक नॉर्मल बेसिक लुक से लेके प्रो तक आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इस वीडियो का जो लास्ट प्रोडक्ट है, आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं ये मैं अभी बता देती हूँ। जो स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं जो मैंने एक नेक पीस जो है वियर किया है, यही इस वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट है। सो ये नेक पीस मैंने अभी अमेजोन से परचेज किया है, और बहुत ही हैवी लुक भी देता है और वेट में भी बहुत हैवी है। सो ये इसे मैं जस्ट ओपन करके पहले दिखा दूँ। सो फर्स्ट इस नेक पीस के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। सो पहले बात करेंगे इसके ब्रांड की। सो ये है गीक मंकी गिफ्ट रैप ट्रेजर। सो ये कुछ इस पैकेजिंग के साथ आया था। सो बहुत ही हैवी वेटेड वाला ये आपको पीस मिलेगा नेक पीस। सो इसलिए थोड़ा सा दिखाऊं। सो ये इसका लुक है, एक बार आप क्लोजली देख लीजिए। सो ये नेकलेस जो है ये क्रिस्टल स्टेटमेंट नेकलेस है जो कि चंकी चेन चोकर के साथ आता है। सो लुक वाइज बहुत अच्छे, इसे आप एथनिक आउटफिट या फिर वेस्टर्न कुछ भी वेयर कर रहे हैं उसके साथ, जस्ट सिंपली अगर आप थोड़ा सा लाइट सा बेसिक सा मेकअप करते हैं और आपका जो लुक है इसी यही पूरा कवर कर देगा। रीज़न है क्योंकि बहुत हैवी है, सो इसके साथ नीड नहीं है अगर आप कोई इयररिंग ना भी पहने तो भी चलेगा। सो इसका MRP जो है 2049 है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1249 का पड़ा है। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ज्वेलरी, अगर आप कुछ इस टाइप का लाइक क्लासी लुक टाइप के कोई सेट देख रहे हैं सो ये ले सकते हैं। सो ये जस्ट आपका नेक पीस है, इसके साथ कोई इयररिंग नहीं आएगा। सो ये ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा जब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेना हो तो आप चेक कर लीजिएगा। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि कौन से प्रोडक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, और जो भी है फीडबैक आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।